दिल्ली NCR, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों को अब साथ अपने मेडिकल रिपोर्ट लाना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से जो लोग विमान और रोड के जरिए महाराष्ट्र आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू उड़ान के जरिए दिल्ली NCR, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। उनकी रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक होगी। रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए। अगर टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा, उसके बाद वो अपने घर जा पाएंगे। इसके अलावा जहां रुके हैं वहां का पता और बाकी जानकारियां भी देनी होगी ताकि टेस्ट पॉजिटिव होने पर ट्रेस किया जा सके। टेस्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार उनका इलाज किया जाएगा। दिल्ली NCR, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से चलने वाले या वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। अगर वो महाराष्ट्र में प्रवेश करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में घुसने से ज्यादा 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए। जिनके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट नहीं होगी उनका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जाँच की जाएगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा। वहीं जिनमें लक्षण होंगे उन्हें अलग करके एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। एंटीजन टेस्ट निगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा। वहीं जो लोग टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा जहां उन्हें अपने खर्च पर इलाज कराना होगा। अब आइए जानते हैं सड़क द्वारा यानी रोड के जरिए महाराष्ट्र में आने वाले लोगों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है। बॉर्डर के जिलों यानी सीमावर्ती जिलों में दिल्ली NCR, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों का राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच होगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें उनके गंतव्य तक डेस्टिनेशन तक जाने दिया जाएगा। जिनमें लक्षण होंगे उन्हें घर वापस लौटने का विकल्प दिया जाएगा। जो लक्षणों के बाद भी अंदर आना चाहते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना होगा। निगेटिव आने पर आगे जाने दिया जाएगा। वहीं जो लोग टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा जहां वह अपने खर्च पर इलाज कराएंगे।